के लिए महाराष्ट्र में जन्मे श्रवण संस्कृति के महानायक, इनका नाम है संत गोरा कुम्हार। इनका काम था, ये मिट्टी के बर्तन बनाते थे और जब ये अच्छे कलाकार हो गए तो मिट्टी की मूर्तियां बनाने लगे। दोष इनका ये था कि मूर्ति इन्होंने खुद बनाई थी, धीरे धीरे ये पत्थर की मूर्ति बनाने लगे और जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हुई उस समारोह में ये बिना निमंत्रण के पहुंच जाते हैं। संत गोरा कुम्हार को कभी भी गूगल में डाल के पढ़िए, ये मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, मिट्टी की मूर्तियां बनाते हैं, धीरे धीरे ये अच्छे कलाकार हुए और ये पत्थर की मूर्तियां बनाने लगे। मंदिर में मूर्ति स्थापित की गई, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, ये बिना बुलावे के प्राण प्रतिष्ठा में चले गए, इसलिए कि मूर्ति तो हमी ने बनाई है। लेकिन जब इन्हें देखा वहां लोगों ने तो उन्हें बहुत पीटा और कहा कि शूद्र, तेरी इतनी औकात है कि तू ब्राह्मणों की प्राण प्रतिष्ठा में आ गया। तब इन्हें पता चला कि मेरा अधिकार सिर्फ मूर्ति बनाने का है, मूर्ति पूजा और मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में जाने का। ये बात आप स्वीकार करें या ना करें, जिन्हें तकलीफें मिली, जिन्होंने संघर्ष किया, जिन्हें सताया गया, जिन्हें कदम कदम पर वंचित किया गया है, इतिहास उन्हीं लोगों ने बनाया है। तुम जो आसानी से सुबह शाम खा लेते हो, सो जाते हो, कोई तुमसे बुरा भला नहीं कहता है, ये सच है कि तुम बहुत कुछ करने वाले भी नहीं हो। जब इनकी पिटाई हुई, इन्हें पीटा गया, तब इन्हें समझ में आया कि आखिर मैं किस संस्कृति में जी रहा था और कौन सी संस्कृति मेरा अपमान करती है। तो इन्होंने समता मूलक समाज की स्थापना के लिए जिन्होंने उनका अपमान किया उनके खिलाफ बिगुल पूछा और मूर्ति पूजा छोड़ करके गाने बजाने का ये कार्य करने लगे और गा गा करके लोगों को समझाने लगे कि हम सब एक ही तरीके से इस दुनिया में आते हैं और एक ही तरीके से दुनिया में से चले जाते हैं, फिर क्यों मेरे साथ अत्याचार होता है, क्यों वो मलाई खा रहे हैं। लोगों को जगाने का काम किया। ये कौन थे? कुम्हार। कुम्हार को आपके यहाँ क्या कहा जाता है? प्रजापति। चूंकि उनका ब्राह्मणीकरण कर दिया है मामनों ने, उनका सम्मान पद दे दिया प्रजापति, प्रजा के पति है ये, इसलिए वो भी बेचारे फूले फूले नहीं समाते। लेकिन उनके बीच में हमें जाना है, उनके बीच में हमें काम करना है। अगर उनके बीच में हम काम नहीं करेंगे तो ये बहुत बड़ी जमात है जो प्रजापति लिखती है, ये हमारी विचारधारा के खिलाफ बनी रहेगी और हम जनमान नहीं हो सकते। इस लोकतंत्र में जो जनमान है, जिसके पास जन है, जिनके पास लोग हैं, वही आदमी सिकंदर है, बाकी वो किसी काम का नहीं है। तो ये काम हमें करना पड़ेगा। संत गोरा कुम्हार की कहानी सुनाकर